पता है हमें हमेशा से ना बात कैसे करनी है, बोलना कैसे है, बचपन से ये सिखाया जाता है, लेकिन सुनना कितना काम आने वाला है ये कोई नहीं बताता कि सुनना कितना जरूरी होता है। लहजा क्या होना चाहिए, किस तरह बात करनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। काश कोई ये भी बता देता कि एक उम्र के बाद हमें शायद सुनने वाला बनने की जरूरत होती है, क्योंकि हम ढूंढते भी ऐसे लोग हैं जो हमारे दिल का हाल सुन ले, है ना। और क्या चाहिए जिंदगी में, बस कोई सुनने वाला हो ताकि आप अपने अंदर का सब कुछ उन्हें कह सके, है ना। लेकिन हमें कोई ये सिखाता ही नहीं है कि सुन पाना, किस तरह से सुनना, कान लगा कर सुनना, बाहें फैला कर सुनना, चुपचाप बस सुन लेना कितना जरूरी हो जाता है ना। बात कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, सवाल करने हैं तो कैसे करनी है, ये तो सब सिखाते हैं। कोई बड़ा है तो उससे किस तरह से बात करनी है, लेकिन कोई बड़ा छोटा कैसा भी हो, जब वो बात करे तो उसे सुनना किस तरह से है, ये नहीं सिखाया जाता कि कितना जरूरी होता है कोई आकर दो आंसुओं के साथ अपने दिल का हाल आपके साथ बांट ले, कह दे बस, कोई अपनी खुशी बयां कर दे, फिर चाहे लहजा कोई भी हो मैटर नहीं करता। ज्यादा जरूरी यह है कि कोई आके कुछ कह सके, किसी से आप कुछ कह सके। शायद इसीलिए सुनना बहुत जरूरी होता है। सुन पाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है, बहुत कम लोग हैं जो इस कला के साथ अलग ही अपना मुकाम बना चुके हैं। सुन पाने की क्षमता शायद उन्हें एक अलग लेवल पर लेकर जाती है, क्योंकि बोल तो हर कोई सकता है, लेकिन सुन पाना हर किसी के बस की बात नहीं।